हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज गणपति जी का दूसरा दिन है और आज हम थाल धराएंगे गणपति जी को। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद देती हूँ मम्मी को। मम्मी ने सब्जी ऑलरेडी चढ़ा दी है। चलो थोड़ी सी तैयारी कर लेती है और बाद में आपसे बात करती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे खमन को पीसीस में काट लिया है और मम्मी ने चने भी बॉयल कर लिए हैं। इसमें प्याज और टमाटर डाल के रोटी का आटा भी गूंद के रेडी है। चावल भी चढ़ा दिए हैं और दाल भी बॉयल हो चुकी है। अभी सिर्फ सबको तड़का लगाना है और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। इतनी सारी रोटियाँ इसलिए बन रही है क्योंकि थाल तीन जगह पे जाएगा गणपति जी का, तो इसीलिए इतनी सारी रोटियाँ लगेगी। और मेरी वॉइस को आज थोड़ा नोटिस मत करना क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है तो वॉइस अच्छी नहीं है। और यहाँ पे आज बनी है चने की सब्जी, तो मम्मी यहाँ पे चने की सब्जी बना रही है, मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ। तो यहाँ पे सारा खाना बन के रेडी है और मेरे ससुराल जहाँ पे प्रसाद जाना था वहाँ पे ऑलरेडी उमेश को लेके भेज दिया है। और मैं थोड़ी सी यहाँ पे और रोटी बना रही हूँ और साथ में आमरस भी रेडी है। वेल गाइस, तो फाइनली 12 बज गए हैं और सभी जगह पे हमने तीन जगह पे प्रसाद भिजवाया है बना के। तो एक तो हमारे यहाँ गणपति के मंडप में जहाँ मैं कल गई थी, और एक बाजू के मोहल्ले में, और एक मेरे ससुराल जहाँ से मैंने शादी की थी वहाँ। तो तब तक त्रिशिव ने मेरा भरपूर साथ दिया है, वो सोया है। जो मामा आए वो मामा, तो त्रिशिव का अभी मेरा घर आया तो उसको वापस दिखा रहा है कि मुझे वहाँ मंडप में लेके जाओ गणपति के पास, उसको कूदना बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर गया है। और त्रिशिव ने साथ दिया कि जब तक हमारा खाना वगैरह सारा कुछ बन नहीं गया तब तक वो सो रहा था। और जैसे ही खाना बना के हमने सब जगह भिजवा दिया मंडप में तो वैसे ही वो उठ गया। तो अभी खेलेगा कूदेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें डर है कि हम कुछ बना रहे हैं और हड़बड़ी में त्रिशिव पे ध्यान ना हो तो उसे लगभग ना जाए, इसीलिए अच्छा है वो सोया था। गणपति जी ने साथ दिया हमारा। चलो अभी खाना खा लेते हैं। अभी बजे है शाम के 5 और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ क्योंकि बाजू वाले मोहल्ले में अभी सत्यनारायण की कथा चल रही है तो वहाँ जाके दर्शन करके आती हूँ। चलिए फिर यहाँ पे मैं और योमेश आए हैं हमारे बाजू वाले गांव में जहाँ पे गणेश जी का बहुत बड़ा पेड़ है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो बराबर दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है तो हमने आशीर्वाद लिए और इसके बाद शाम को बच्चों ने अच्छी अच्छी सी थालियाँ सजाई थी आरती की, तो वो मैं एक झलक आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। गणपति जी की आरती श्रृंगार हुआ था आरती में। लास्ट ईयर मैंने भी आरती श्रृंगार में पार्ट लिया था और मेरा 2nd नंबर आया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से वो वीडियो भी देख लो। फिर मैं योमेश और त्रिशिव गणपति जी के दर्शन करने के लिए नवसारी में गए। यहाँ पे मैं कुछ गणपति जी की झलक आपको दिखा रही हूँ। ये सब गणपति जी की आप मेरे एक और अलग वीडियो आ रहा है आज शाम को, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सारे गणपति जी दिखाऊंगी। लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं 1-2 ऐसे करके वीडियो डालूँगी। तो आप एक भी वीडियो स्किप मत करना और एक भी वीडियो देखना मत भूलना। तो यहाँ पे मैंने त्रिशिव जब तक सोया नहीं तब तक मैंने जितने गणपति जी कवर हो सकते थे मैंने नवसारी के सारे गणपति जी के दर्शन करवाए हैं यहाँ पे। सो
अभी बजे हैं रात के 12 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बाकी है और हम घर आ गए हैं। गणपति जी की आरती करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं त्रिशी और योमेश तो तीनों थोड़े गणपति देखने के लिए गए थे। तो अभी इसमें भी मैं वीडियो में थोड़े से गणपति डाल दूंगी और एक अलग से भी वीडियो बनेगा जिसमें नवसारी के सारे बिगेस्ट गणपति और यूनिक गणपति का वीडियो होगा। जलालपुर के भी अलग अलग गणपति जी का वीडियो अलग से बनेगा, तो वो देखना भूलना मत। और वो देखने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तो अब हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और त्रिशिव भी यहाँ पे सो गया है और आज उसको बुखार भी नहीं है, तो इसको सोने देते हैं वरना मेरी आवाज़ सुन के तुरंत जाग जाता है। तो चलिए बाय बाय।